लाइट जूस पीने करते हैं तो फिर भी उनका बिल आ रहा है। कोई घर में था नहीं, जैसे कि 3 महीने के लिए कहीं गया हुआ, फिर भी उनका बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर की तो दिक्कत आ रही है मैम सारी। उन्होंने गली भी हमारी बना दी, नलका भी टाइम टू टाइम आ रहा है, बल्कि ज़्यादा ही आ रहा है। तो ये आते हैं बीच में महीने 15 दिन में, ये चक्कर राउंड करते रहते हैं। अच्छे हैं ये हमारे। लाइटें थोड़ी ख़राब है, वो थोड़ी ठीक करवा दें। वैसे जी 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 कितनी देर हो गई है ख़राब? ये पीछे बारिश पड़ी थी ना, फिर हो गई थी ख़राब। तो आज बोला कंप्लेन लिखवाई हुई है उनको, 1-2 दिन में आ जाएंगे बंदे तो कर देंगे ठीक। वो उन्होंने बनाया जहाँ पे जो वाश दुआ वगैरह होती थी यहीं पे ही होती थी, जम्मू की ओल्ड सिटी जितनी भी थी यहीं पे ही आया करते थे। अब लोगों ने अलग अलग मंदिर बना दिए हैं, अब लोग अलग अलग जगह चले गए हैं। तो ये मंदिर जो आता है ये धर्मा ट्रस्ट के अंदर आता है। तो ये हॉल्स का क्या उपयोग होगा, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल? देखिए जो ये हॉल है, जैसे किसी की कोई दशमा हो नहाने के लिए उपयोग होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना वो नहीं कर सकता हो, कोई जैसे कोई 4 साल के बाद चोरी आ जाती है, बच्चों कुछ आ जाता है, तो ये जहाँ से आराम से यहाँ पे आके कर सकता है। यानी पूरा परिवार, तमाम रिश्तेदार यहाँ पर ही आते हैं? पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार यहाँ पे ही आते हैं, इसीलिए इसको ऐसे बोलते हैं टूटियाँ। तो यही होते हैं नहाने वाले, जो टूटियाँ जो मर जाए यहीं पर आते हैं। ये ओल्ड सिटी के अंदर यही है और कहीं पर नहीं है। चुनाव के हुए 5 साल और कैसा है आपके वार्ड का हाल? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न वार्ड्स में जा रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्या 5 सालों में उनके जो कॉरपोरेटर हैं उनके इलाके के, क्या उन्होंने काम करवाया है या कुछ कमी अभी भी रह गई है? अभी मैं वार्ड नंबर 10 में हूँ और यहाँ पर स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कॉरपोरेटर के कामों से क्या ये संतुष्ट हैं या नहीं है। आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है, इस समय काम करवाया आपके कॉरपोरेटर ने या नहीं कराया? ओ, नालियां बनवाइया उन्हें पूरी जाली जूली लाइया। जिन्नी बार भी फोन कर दो आंदे आई जन्दे ना वो के परेशानी के ही पहले? बस ये गली गुली नाली नुली पानी भी। पानी किन्नी किन्नी देर बाद आंदा? पानी आई जन्दा रोज आंदा। आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या कोई दिक्कत आ रही है अभी भी, या अभी भी संतुष्ट हैं आप काम से? नहीं, हम तो बड़े संतुष्ट हैं। ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, गली भी हमारी बना दी, नलका भी टाइम टू टाइम आ रहा है, बल्कि ज़्यादा ही आ रहा है। तो ये आते हैं बीच में महीने 15 दिन में, ये चक्कर राउंड करते रहते हैं। अच्छे हैं ये हमारे कारपेंटर। पानी की समस्या कितनी देर से थी? नहीं, समस्या तो पहले थी, अभी तो कोई हमें काफ़ी थी, तो अभी तो कोई नहीं। अभी पानी ठीक ठाक में समय से आ रहा है, सब कुछ ठीक है। तो बीच में ये दौरा भी कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है पूछते हैं, तो अदरवाइज हमें तो कोई प्रॉब्लम। साफ सफाई का ध्यान रखा? सफाई बिल्कुल बिल्कुल, 2-2 टाइम आता है, वो सुबह भी आता है शाम को भी आता है। तो बाकी हम खुश हैं उनसे। आपसे जानना चाहूँगी क्या नाम है आपका, क्या कोई दिक्कत आ रही है या संतुष्ट है अभी भी काम से? नहीं, जब बुलाओ आ जाते हैं, कारपेंटर साहब आ जाते हैं, नालियाँ बनी हैं, गली बनी हुई है हमारी। तो कॉरपोरेशन की इलेक्शन से पहले कोई परेशानी देखते थे यहाँ पर? पहले गली की प्रॉब्लम थी, नालियों की प्रॉब्लम थी, अब तो नहीं है। साफ सफाई का ध्यान रखा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कॉर्पोरेटर को अगर फोन करो तो वो पहुँचते हैं यहाँ पर? हाँ जी हाँ जी, आ जाते हैं। जी जी। कितने नंबर लगते हैं, कोई कमी है यहाँ पर जो करना चाहिए? बाकी लाइटें थोड़ी ख़राब है, वो थोड़ी ठीक करवा दे। वैसे जी 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 कितनी देर हो गई है ख़राब? ये पीछे बारिश पड़ी थी ना, फिर हो गई थी ख़राब। तो आज बोला कंप्लेन लिखवाई हुई है उनको, 1-2 दिन में आ जाएंगे बंदे तो कर। मेरा नाम शालू है। कोई सब सुन तो चाहिए, सब चीज़ों की ठीक है। पहले बड़ा गंद था इधर, अब बड़ी सफाई हो गई है, बड़े अच्छे कॉर्पोरेटर हैं, जब भी बुलाओ आ जाते हैं ये। अभी कॉर्पोरेशन से पहले क्या क्या परेशानी हो रही थी चुनाव से? नाली की थी, बड़ी टाइट थी नाली, गंद बाहर बगता रहता था, बड़ा गंद था। अब सब साफ सफाई है, अब सब कुछ ठीक है। जैसे इस समय शहर में डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, तो क्या कॉर्पोरेटर काम करवा रहे हैं? हाँ जी, वो भी करवाया था उन्होंने। क्या करवाया था? उनकी गाड़ी आई थी, वो जो लगाते हैं फॉग शॉग, वो लगाई थी तो ठीक हो गया था सर। साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है? हाँ जी, रखते हैं वो। अभी आपको क्या चाहिए, कोई और नेता चाहिए बदलाव के तौर पर या अनिल जी चाहिए? अनिल जी चाहिए। तो 10 में से कितने नंबर? 10। 10 देंगे। क्या आप कॉर्पोरेटर के काम से संतुष्ट हैं या कुछ परेशानी आ रही है? परेशानी है जिहड़े बिजली के बिल भी मतलब गलत आ रहे हैं, बालने अस घाटा दे आइए ज्यादा जंदे ने। किन्ने बिल आ रहे हैं? बिल पता नहीं किन्ना आया, पिछले बारी ज्यादा ही आया कुछ, मी तो इन्ना पता नहीं है, बच्चे होना पता, मतलब ज्यादा ही आए ने बिल। हाँ, ये स्मार्ट मीटर जेडे लगे ना, ये बड़ा दुखी करा रहे सारे। काम के कर दें घर वाले, घर चलता है, ये ध्याड़ी दार गए, कोई कोई नौकरी नहीं है, कोई किश नहीं है, ध्याड़ी लगे तो खानी, नहीं लगे तो नहीं, कोई नौकरी नहीं है। ऑपरेटर ने किस लाया तुम्हें?
आया कोई नहीं आया इधर हाँ शुरू तू पानी ठीक था सिर्फ बिजली को दुखी है समान मीटर जिन्नी जल्दी उतरने इन जल्दी उतरने चाहिए गली की थोड़ी दिक्कत थी तो वो हमारे कॉर्पोरेट जी ने करवा दी और नाली हमारी थोड़ी टाइट थी वो भी खुली करवा दी। वैसे अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई का क्या ध्यान रखा जा रहा है? साफ सफाई चल रही है मैम सुबह। स्मार्ट मीटर्स के लिए यहाँ पे परेशानी आ रही है इस इलाके में? स्मार्ट मीटर के तो सारी जगह है मैम, वो तो आई है परेशानी। बिजली के बिल क्या डबल आ रहे हैं या कम हुए हैं? डबल आ रहे हैं मैम, डबल आ रहे हैं। किसी का तो मतलब घर में बत्ती लाइट यूज नहीं करते हैं तो फिर भी उनका बिल आ रहा है। कोई घर में था नहीं जैसे कि 3 महीने के लिए कहीं गया हुआ फिर भी उनका बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर की तो दिक्कत आ रही है मैम सारी। कितने लोग इस समय सफ़र कर रहे हैं? पूरे इलाके में ऐसा है या कुछ लोगों के साथ ऐसा? ये पूरे इलाके क्या पूरे जम्मू में है, सारी जगह आप सुन रहे हो। आप भी मीडिया वाले हो, आप भी जहाँ जाते होगे सभी से यही सुनते होगे स्मार्ट मीटर की दिक्कत है। स्ट्रीट लाइट्स का क्या हाल है यहाँ पे? चलती है लाइट? हाँ ठीक है, लाइट का कट होता है बीच बीच पहले किला आ जाती है जल्दी। अगर कॉर्पोरेटर के काम को नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे 10 में से आपके मुताबिक? 10 ही देंगे क्योंकि जो काम करते हैं उनका क्यों ने नाम करें। तो आप चाहते हैं कि दोबारा अनिल जी ही यहाँ पर कॉर्पोरेटर बनकर आए या कोई और चेहरा जो है बदलाव के लिए देखते हैं? देखो कि हमें चाहिए काम, जैसे कि अनिल जी थे इन्होंने अच्छा काम किया तो हम तो यही चाहते हैं अगर कोई दूसरा भी आए तो ऐसा ही आए कि जो हमारा काम करे। हमारे रानी पार्क में जो मेन जो पार्क है रानी ओल्ड सिटी के अंदर सबसे मशहूर जो पार्क है, इतना एरिया जो है जो हमारे रानी पार्क में ही है। तो देखिए कॉर्पोरेटर साहब हमारे जो थे अनिल मसूम जी, उन्होंने अपनी तरफ से कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने जिम भी बनाई, पार्क को भी अच्छा किया, पर जो हमारा जो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन है वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमने 2-3 दफ़ा उनके पास भी गए पर देखो जो कितना गंदा है। और यहाँ पे सब मशीन्स भी पुरानी लगाई है, यहाँ पे जो मशीनें थे काफ़ी पुरानी हैं। जब इन्होंने जहाँ पे थोड़ा काम लगवाया था तो ये मशीनें सारी ख़राब थी, उन्होंने तोड़ दी थी। इनका कहने लगे हम नहीं लगाएंगे, तो पर यही वही मशीनें द्वारा रिप्लाई इन्होंने की द्वारा वही लगा दी हैं। तो ये मेन सिटी के अंदर कितना गंदा है, मैं मुझे पता था कहने लगा इनको रेनोवेट करेंगे, इनको अच्छा करेंगे। अभी तक तो काफ़ी देर हो गया ना। ये ओपन जिम जो है सही है लोगों के लिए क्योंकि गंदगी के ढेर हैं, पत्थर यहाँ पर हैं, यहाँ पर कंकर भी हैं, कोई गिर भी सकता है। देखिए ये ओपन जिम है जो जहाँ की जो जितने भी मोहल्ले के लोग थे कुछ बाहर के थे बड़े खुश होकर जिम करने के लिए आते थे। आजकल जहाँ जैसे सुबह सुबह 50 बंदे से कम ज़्यादा बंदे होते थे, आज तो 10 बंदे नहीं होते। कहते हैं यहाँ पे बड़ा मच्छर है, यहाँ पे गंद है, चोट लग गिर जाएंगे। एक टैंकी बनी है उसका ढक्कन ही नहीं है, उस टैंकी की गहराई 10 फुट होगी, चौड़ाई 15 फुट होगी, अगर वहाँ पर कोई गिर गया वहाँ भी मर जाएगा। तो ये जहाँ पे जो हमारा म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन है वो जहाँ पे ध्यान दे नहीं रहा है, आप देख सकते हो मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हो। जो हमारे कॉर्पोरेटर मसूम जी हैं उन्होंने अपनी तरफ से किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी, पर अब डिपार्टमेंट के ऊपर है। वो कहता है ठीक है कल देखेंगे, आज देखेंगे, आज कल कर करके कई साल गुजर गए हैं। देखिए मेरा नाम दशरथ सिंह है, मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। तो जो हमारे जो कॉर्पोरेटर जी हैं उन्होंने वार्ड नंबर 10 में हमारे रानी पार्क में बहुत ही काम करवाया। देखिए जी एक वेटिंग हॉल बनाया हुआ है उन्होंने, तो जो ये हॉल थे इनकी हाल तो बड़ी खस्ता थी, तो इन्होंने पूरा ये हाल को ही कम्प्लीट किया हुआ है। ये जेंट्स वाले का हाल कम्प्लीट किया, बाथरूम बनाया, साथ में लेडीज हॉल बनाया, ये सब हमारे कॉर्पोरेटर ने ही बनाया हुआ है। अब जो सामने जो वेटिंग हॉल बना हुआ है, ये जो एरिया बना है, ये बेंच लगाए गए हैं, ये भी हमारे कॉर्पोरेटर मसूम जी ने लगाए हुए हैं। और कितने समय से ये काम चल रहा है? देखिए मैं 5 सालों के अंदर अंदर ही हमारे कॉर्पोरेटर ने काफ़ी काम करवाया, तो उन्होंने और भी हमारे पहले जो टाइल्स वगैरह थी, बाथरूम की टैंकियाँ नहीं थी वो भी उन्होंने की, कुछ नलके नहीं थे लगा वो भी उन्होंने लगा के दिए। तो अभी और 2-4 दिन के अंदर
बाहर का भी एक वो था, बाथरूम थे, लेडीज थे, जेंट्स थे, बोल की हालत शौचालय बहुत ही खस्ता हालत थी। अब उनका भी उन्होंने वो उद्घाटन कर दिया। यहाँ पर मंदिर में लोग क्यों आते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखी जाती है। देखिए, जो हमारा मंदिर है ये प्राचीन टाइम का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर पहले क्या हुआ करता था, मंदिर बड़े कम हुआ करते, राजे महाराजों के टाइम के मंदिर है। ये तो पुंछ की रानी ने बनाया हुआ मंदिर, उसका नाम था रानी कटोच। तो वो उन्होंने बनाया, जहाँ पे जो वाश दुआ वगैरह होती थी यहीं पे ही होती थी। जम्मू की ओल्ड सिटी जितनी भी थी यहीं पे ही आया करते थे। अब लोगों ने अलग अलग मंदिर बना दिए हैं, अब लोग अलग अलग जगह चले गए हैं। तो ये मंदिर जो आता है ये धर्म ट्रस्ट के अंदर आता है। तो ये हॉल्स का क्या उपयोग होगा, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल? देखिए, जो ये हॉल है, जैसे किसी की कोई दसमा हो, नहाने के लिए उपयोग होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना भोग नहीं कर सकता हो, कोई जैसे कोई 4 साल के बाद चोरी आ जाती है, बच्चों कुछ आ जाता है, तो ये जहाँ से आराम से यहाँ पे आके कर सकता है। यानी पूरा परिवार, तमाम रिश्तेदार यहाँ पर ही आते हैं? पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार यहाँ पे ही आते हैं। इसीलिए इसको ऐसे बोलते हैं टूटियाँ, तो यही होते हैं नहाने वाले, जो टूटियाँ जो मर जाए यहीं पर आते हैं। ये ओल्ड सिटी के अंदर यही है और कहीं पर नहीं है। साफ तौर पर वार्ड नंबर 10 के जो स्थानीय निवासी हैं वो संतुष्ट हैं अनिल मासूम जी के काम से, और कहते हैं कि दोबारा जो है उन्हीं को जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नेतृत्व की मिलनी चाहिए। आप यूं हमारे साथ बने, देखते हैं विश्व जम्मू सुहाना।